आज हमारे साथ विकी है जो आईआईटी बॉम्बे से अपना एमटेक कर रहे हैं बहुत है। और उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले विक्की अपने लाइफ के बारे में बताओ कि तुम कहां से आते हो और तुम्हारा कॉलेज कहां से था बिल्कुल तो वैसे मेरा ओरिजिन जो है वो बिहार है तो मेरा स्कूलिंग बिहार से हुई है पर थोड़ा मैंने टेंथ बिहार से किया ट्वेल्थ भी बिहार से किया और एक ड्रीम था कि इंजीनियरिंग करूंगा कुछ मतलब इनोवेटिव करना है वो ड्रीम था मेरा स्टार्टिंग से स्कूल से स्कूल से पर वहाँ पे बिहार में उतना मुझे नहीं मिल पा रहा था इन्वायरमेंट तो पापा ने मुझे फिर दिल्ली ले आया कि यहाँ पे आके हम कुछ करेंगे प्रिपरेशन करेंगे ले आए तो यहाँ आके मैंने सोचा कि जे की प्रिपरेशन करते हैं मैं ट्वेल्थ कम्प्लीट करके ना मैं वन ईयर ड्रॉपर हूँ तो फिर यहाँ पर आया मतलब प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली में दिल्ली में तो प्रॉब्लम्स हुई थोड़ा बहुत मतलब क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में था स्टार्टिंग में अब पूरा का पूरा मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना था ख़ुद को तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उसके बाद कैसे भी आ, मतलब कि अच्छा प्रिपरेशन करके अच्छी रैंक ला के स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में मैंने दिल्ली में ही एडमिशन लिया एक बहुत अच्छे कॉलेज हैं महाराजा ग्रैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो आईपीयू के अंदर है तो उसका एंट्रेंस में अच्छे से मतलब दिया और सेलेक्ट हुआ कॉलेज में एडमिशन मिल गई उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ जर्नी आगे की फिर लेकिन वो था कि जेई का मैंने दिया था पेपर जेई मैंने क्वालिफाई कर लिया मेंस में रैंक अच्छी आई एडवांस में जस्ट मेरा रैंक आया मैं क्वालिफाइड हुआ जस्ट आपने सेल्फ स्टडी किया था सेल्फ स्टडी किया था लाइक like मैं कभी भी मैं इंस्टीट्यूट से सपोर्ट नहीं लिया कभी भी अभी तक मैं नेवर टेकन सपोर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट तो सेल्फ स्टडी था लेवल <laughs> की मैंने किया और फाइनली लाइक एडवांस से नहीं लेते थे आई आई टी उससे एनआईटी मतलब वगैरह मिल सकता था पर मैं जनरल कैटेगरी से था <laughs> तो रैंक उतनी तगड़ी नहीं थी कि बेस्ट एन मिलेगी और आई में भी नहीं, नहीं मिल नहीं पाया नहीं कुछ भी तो वो ड्रीम था उस टाइम टूट गया था आई में आने का फिर मैंने जब यहाँ पे एडमिशन लिया मतलब एक एंट्रेंस पास करके तो उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है अब देखते हैं कोई अदर वे होगा कहीं जाने का लेटर ऑन मुझे भाई लोग थे तो उन्होंने एडवाइस दिया कि यार आई से भी लोग आते हैं वो पी में ही जाते हैं तो पी का प्रिपरेशन करो वो गेट तब मैंने नाम सुना पहली बार जब मैं सेकेंड ईयर में था कि गेट कुछ ऐसी चीज है जो पी एस यू में उससे इंट्रेंस मिलता है मुझे नहीं पता था कि एमटेक भी लोग करते हैं ऐसे और आईटी आई टी का भी सपना है जाने का तो ठीक है फिर मैंने उस टाइम मेरे को पी को पता था और क्योंकि मैं जब डोमेन में आया था ई सेलेक्ट किया था तो ई के सब्जेक्ट से मुझे लाइक कहते हैं ना अलग टाइप के अंडरस्टैंडिंग बन गई कैरियर बनानी है इसी फील्ड में बनानी है मज़ा आ गया था करने में वो जितने भी डोमेन के सब्जेक्ट हैं एनालॉग ये डिवाइस डिजिटल ये सब बहुत अच्छा लग रहा था और जो कहते हैं ना इनोवेटिव थिंकिंग मुझे इसी डोमेन में करनी थी तो फिर लेटर ऑन पता चला मुझे जब थर्ड ईयर में आया कि पीएसयू में हमारे डोमेन की जॉब ही नहीं है वहां पे वही कोई कोयला कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाओ कोई तेल से कुछ करो ये सब था इलेक्ट्रॉनिक्स में प्योर तुम नहीं जा पाते प्योर नहीं जा पाते और मैं कर नहीं पाता मतलब स्ट्रगल नहीं स्ट्रगल रहता मैं स्ट्रगल रहता वहां तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे नहीं करना चाहिए फिर फिर मैंने सोचा फिर क्या करूं फिर आइडिया लगा कि आईआईटी में जाने का रास्ता अभी भी है और गेट से मैं जा सकता हूं वही रास्ता है गेट ही एक रास्ता है और वहाँ पे मेरा फील्ड भी मिल सकता है जो मुझे चाहिए जहाँ जाना है और जो अभी जहाँ हूँ वो तो मैं सोचा भी नहीं था स्टार्टिंग की यहाँ पहुंचूंगा पर ठीक है मैंने फिर गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की कोई मतलब अकेला था मैं वैसे मेरे कॉलेज में जो लोग थे वो सारे आईटी सेक्टर में चले गए जो मेरे फ्रेंड्स लोग थे क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए थी लोग इतना मेहनत करना नहीं चाहते हैं और आईटी सेक्टर मेरा जॉब नहीं था अब सब चीज के लिए मैं छोड़ा क्योंकि जाना अपने डोमेन में है उसके लिए मैं फिर सोचा कि गेट करूंगा ड्रीम बन गया कि एमटेक लूंगा और वो भी लूंगा तो लूंगा इन्टीग्रेटर सर्कुट्स इन्टीग्रेटर सर्कुट्स <laughs> यही लूंगा आईसीएस में ठीक है था और बेस्ट भी था तो बस प्रिपरेशन में लग गया तो मैं 2018 का बीटेक पास आउट हूं <laughs> बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है तो सेल्फ स्टडी कर रहा था कितना टाइम लगा आपको सच बताऊँ तो मैं थर्ड ईयर से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन हार्ड कॉर कहते ना कि गेट के लिए पूरा लग पड़ा था पढ़ना है पढ़ना है तो प्रिपरेशन मेरा बहुत अच्छा था लेकिन कहते ना कि मैं हर टाइम मिस्टेक से सीखा सीखाऊँ एटीन के टाइम में क्या था कि लोग कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाओ लोग याद भी करते हैं रिमेंबर कर लेते हैं चीज़ें फार्मूलेस वगैरह मैं फंडामेंटल पर्सन था मैंने कुछ भी रिमेंबर नहीं किया जो कहते ना फार्मूले नोट्स बनाओ और याद करो मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे था मैंने सिर्फ रिफरेंस बुक पकड़ी कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठता था अच्छे अच्छे बुक चूज करता था पढ़ने लग जाता था कॉन्सेप्ट बिल्ड करता था और माइंड में यह बना लिया था कि कुछ याद नहीं करना है बैठ के बस दे के आनी नहीं है नॉलेज से पर उसका एक एडवांटेज भी था जो अभी तक मुझे हेल्प कर रही है लेकिन उस टाइम थोड़ा डिसएडवांटेज मिला मुझे एटीन के गेट में कि जब मैं बैठा था तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं डिराइव करने बैठता ना तो बहुत लेंदी हो गया था और क्योंकि बहुत स्ट्रैटेजी चाहिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था एटीन में तो वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था गेट का तो मैं जब एग्जाम के लिए बैठा तो मैं स्ट्रेटजी uh, बनती है ना पहले दो मार्क अटैम्प्ट करो फिर एक मार्क तो मैंने भी थोड़ा फॉलो करना स्टार्ट किया मैं टू मार्क्स से स्टार्ट किया था करना एक क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था उस लेकिन वो उसको डराइव करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा और उसका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था मैं फॉर्मूला याद नहीं किया था तो मैं उसको डेरिवेशन करके मैं सॉल्व करना चाह

ट्वेंटी uh, एटीन में पूरा फंडामेंटल से नो रिमेंबरिंग एनीथिंग हॉर्मूलाज ओनली कॉन्सेप्ट मेरा टू थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी मतलब बाईस सौ उनतीस मतलब इतना रैंक थी मेरी तो ये तो अच्छा लगा कि यार ठीक है पेपर टफ था फर्स्ट एक्सपीरियंस था मतलब एक मोटिवेशन मिला लेकिन उसमें मुझे आई टीज नहीं मिल रही थी और एन आई टीज मुझे जानी नहीं थी तो मैंने फिर एमटेक नहीं ली मैंने कहा कि एक अटेम्प्ट और देते हैं इस बार जो खामियाँ उसको दूर करेंगे 19 में मैंने बहुत मेहनत की है बहुत से ज्यादा मेहनत किया है मतलब गेट के लिए ही और कहते हैं ना कि पूरा फॉलो किया कि जो याद करने वाली चीज है करो कुछ पाने के लिए करनी पड़ेगी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी मैंने रिमेंबर करने वाली चीजें रिमेंबर की कॉन्सेप्ट को और बिल्ड किया और स्ट्रॉन्ग किया जो टेस्ट सीरीज देना होता है मैंने सब स्टेप फॉलो किया बहुत अपने आप को लेवल पे ले गया और जो लेवल रिक्वायर्ड जो होनी चाहिए मैं उस लेवल पे अपने आप को लाया 19 के गेट से पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूट वो प्री गेट निकालते हैं एग्जाम <laughs> एस का होता है प्री गेट <laughs> होता है सीबीटी लाइक दैट मैंने एस का प्री गेट दिया था और मेरा उसमें रैंक आई थी ट्वेंटी मतलब बहुत सारे बच्चे मतलब कंप्लीट किए थे और मैं सेल्फ स्टडी पर्सन था मैंने सोचा वाह मतलब इस बार कुछ हो सकती है प्रिपरेशन <laughs> है और पेपर बहुत अच्छा आया था एस का वो प्री गेट का <laughs> तो मैंने दिया था और मुझे बहुत मोटिवेशन मिला मैंने कहा कि इस बार तो होगी अच्छी तो नाइनटीन में क्या हुआ तो गेट का जो एग्जाम हुआ था थोड़ा बहुत पैटर्न वो फॉलो नहीं किए थे वो डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर लिए पेपर आसान था लेकिन वो पैटर्न डिफरेंट था मतलब जो लोग कहते हैं ना कि मैं हम, तो एक्सपीरियंस पे जा रहा हूँ अभी तक का क्या पैटर्न है गेट का वो आई मद्रास वालों ने उसको फॉलो नहीं किया था लाइक मतलब पैटर्न बहुत ही डिफरेंट था जो चीजें नहीं आना मतलब आते हैं इन जनरल वहीं से आ गई थी क्वेश्चन उठ के तो ये सब थोड़ा नायाब सा लग गया

एंड वो मेरा जो ड्रीम ब्रोक था ना उस टाइम मैं थोड़ा डिप्रेशन फेस था मैं घर में किसी से बात नहीं करता था वो रिजल्ट देख के कि हो क्या रही है यार पढ़ लिए हैं सब मेरा इंटरेस्ट नॉलेज है।, है उस लेवल का नॉलेज है कि कुछ भी आए कर दे पा रहा हूं लेकिन प्रेशर में मैं ढह रहा हूं प्रेशर नहीं ले पा रहा हूं कुछ ना कुछ तो भी, भी जा रही है प्रॉब्लम्स तो वो फेज मेरा बहुत ही गंदा चला फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा ठीक है दो तीन महीना मेरा ऐसा ही चला गया मतलब मैं कुछ बात नहीं करता था घर से मतलब किसी से फिर मेरा भाई है बहुत सपोर्ट किया उसने बोला कि देख ठीक है तेरा इंटरेस्ट है तेरा ड्रीम है ज़्यादा टाइम भी नहीं गया है दो ही अटैम्प्ट थोड़ा डाउन गया है है तो दे एक और अटैम्प्ट दे एंड गेट इट <laughs> उसने मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब पकड़ा मतलब मोटिवेट किया और थोड़ा मुझे लगा भी कि यार अब इतना मोटिवेटेड है घर फैमिली भी सपोर्ट कर रहे हैं तो छोड़ना नहीं चाहिए नहीं। बस मैं ट्वेंटी के लिए लग गया लेकिन रियलिटी ये है कि गेट ट्वेंटी के लिए मैं कुछ पढ़ा नहीं एक्स्ट्रा नहीं। मेरा तो बिल्ड ऑलरेडी था आई स्टडीड बस जो कहते ना कि मैं वो एनवायरमेंट खुद पे क्रिएट कर रहा था कि प्रेशर का कि मेरे प्रेशर में गिर रहा हूं मैं प्रेशर तो में ही जीना सीखूंगा ठीक है तो मैं खुद से ही जैसे मैं सॉल्व भी करता हूँ क्वेश्चन वगैरह तो टाइमर लगा के इस क्वेश्चन को दो मिनट में करनी है नहीं किया तो ओके स्ट्रेटेजी चेंज करूंगा इस कॉन्सेप्ट को लेके मैं खुद को प्रेशर में रख रख के प्रैक्टिस कर रहा हूँ एकदम टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ उसमें भी अपना टाइमर सेट करके दे रहा हूं हर क्वेश्चन वाइज आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी है आई विल डू इट बहुत मतलब वो जितने भी और हाँ एक मेरे मेंटर हैं मतलब एक मेंटर था मुझे एस में ही वो पढ़ाते थे और उनका नाम है गौतम गौतम सर वो एस में पढ़ाते थे वो मेंटर है मतलब तो उन्होंने मुझे बोला था एक चीज कि यदि लैक कर रहे हो तो वो करो क्या कहते हैं रैंडम रिविजन करो मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा लाइक like, उन्होंने एक बस एक बोला था जब मैं गया था कुछ लेने कि यार क्या करूं मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ ऐसे ही वो मिल गए थे ऐसे ही तो उन्होंने मुझे दिया था मुझे ऐसा पता है तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम रैंडम रिविजन करो क्योंकि गेट के एग्जाम में ना क्वेश्चन आते हैं रैंडम ऑर्डर में और तुम जो लाइक like, प्रैक्टिस भी करते हो लाइक like, कभी मैंने रिविजन किया अनालक का कभी डिजिटल का तो वो रैंडमनेस नहीं आती है है ना और स्विचिंग नहीं हो पाती है माइंड की कि हम कभी ये क्वेश्चन कर रहे हैं और दूसरा सब्जेक्ट का उठ के आ जाएगा तो फिर माइंड वहां है नहीं आ पाएगा जल्दी तो टाइम लगेगी फ्रस्ट्रेशन होगी तो रैंडम रिवीजन करो मैंने उनको फॉलो किया और पेपर भी वैसा ही है और पेपर भी ऐसा ही है मैं डे वन से गेट ट्वेंटी के लिए आई वॉज कंप्लीटली रैंडम मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं फेसबुक ग्रुप होते हैं एक्टिव था क्वेश्चन बच्चे लोग डाल रहे हैं मैं सॉल्व कर रहा हूँ रैंडमली so. random? और टाइमर सेट कर करके करूंगा 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 और मेरा जो है ना एक तो थोड़ा गुस्सा भी था अब तक के जर्नी का वो मैं फॉलो कर रहा था तो बस बहुत अच्छी गई मतलब 2020 ट्वेंटी में मेरे को उसका फायदा मिला वो कहना रैंडमनेस लाना वो मेरे को हेल्प किया है ट्वेंटी ट्वेंटी का पेपर का जो मेरा अटेम्प्ट का तरीका था मैंने खुद से मतलब प्रॉमिस किया था इस बार रुकना नहीं है जो भी हो कभी क्वेश्चन को मैं कहता हूं ना जैसे कहें भागना पेपर को देख के ऐसा मैंने रन कर रहा था पेपर में क्वेश्चन देख रहा हूं हो रही है हो रही है नहीं हो रही है तो रोको बाद में देखेंगे आगे निकलो मैं तीन घंटे के पेपर को मैं दो बार रन किया हूं पूरा इतना मेरे पास टाइम बचा और उसका फायदा हुआ लास्ट लास्ट टाइम में जो होता है ना का पंद्रह मिनट में मैं मैक्सिमम गेन किया हूं जो फोर टू फाइव कहते हैं ना बोनस टफ क्वेश्चन आई हैव डन दैट करेक्टली वो जो मेरा मोटिवेशन लेवल इतना हाई हो गया था उस पेपर में इस बार तुम सबके लिए प्रिपेयर थे एवरीथिंग मैं वर्स्ट के लिए प्रिपेयर किया था खुद को इस बार नहीं लैक करना है तो गेट ट्वेंटी में मेरा रैंक आ गई और फिर वो कहते ना जंप ये मोटिवेट किया ये रैंक आ गई फिर मैंने सोचा बस यही चाहिए थी अब मेरे को मिल जाएगा फिर थोड़ा घर वालों को कैसा लगा घर वाले तो अलग आसमान में थे तुम्हारे भाई को भाई तो क्या बताऊं मैं मतलब रो रहे थे हम लोग उस दिन लिटिल बिट लेकिन फिर संभाले मतलब यार वो जो था ना वो फेस था स्ट्रगल का वो दूर होता दिखा मैंने कहा नाउ आई गेंट समथिंग मैं खुद को मैं नहीं चाहता कि खुद को प्रमोट करू क्योंकि सारा सेल्फ स्टडी का पार्ट है मैंने आई नो दैट तो वही हुआ रैंक आई उसके बाद मैं फिर काउंसलिंग किया मेरे को सेकंड राउंड में आई में आईसीएस अलॉट हुआ है और मैं जो थर्ड ड्रीम की आना है एंड वो मेरा विन था फर्स्ट विन यहाँ आया उसके बाद कहते हैं ना कि घर वाले बोले थे कि थोड़ा ये कोविड वाला फेज चल गया था तो थोड़ा मैं मतलब मेरा सर्कल थोड़ा बिहार से है तो होता है कि मतलब कि मतलब उन लोगों को थोड़ा होता है कि गवर्नमेंट जॉब होता है ना लाइक बिहार like, में उनको नॉर्थ साइड में है उनकी वो खूबियाँ रहती है कि यार थोड़ा वैल्यूज की लेके तो लेकिन मुझे पता है कि रियलिटी क्या है तो वो लोग कहते थे कि ठीक है तुम जाओ नहीं पर एटलीस्ट फॉर्म फॉर्म भर दे ट्राई ट्राई करो ट्राइ करो कर। बोलते तो मैंने एन टी पी सी का रिक्रूटमेंट हुआ था ना मैंने फॉर्म फिल किया था मैंने एन में भी मेरा सिलेक्शन हो गया ठीक है एज ए एटी और मैं यहाँ लाइक एमटेक में सिलेक्ट हो गया था तो थोड़ा कोविड का फेस था तो मैंने सोचा कि क्या होता है लेटर मुझे पता चला कि यहाँ पे जो ई से जाते हैं ना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि डोमेन ही पूरा डिफरेंट है एन टी पी सी में सिलेक्शन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा डिजिटल ईडीसी में अरे मतलब मैं इतना मूडी हूँ ना मतलब मेरे को यदि चौबीस घंटा बोलेगा ना कि इस डोमेन में काम करो मैं खुशी खुशी करूंगा मैं ऐसा बंदा हूँ कि यदि मेरे को अदर डोमेन में बिठा दे चाहे मेरे को एक घंटा ही काम कराए और मेरे को करोड़ों दे तब भी मैं स्ट्रगल कर पाऊंगा स्ट्रगल करूंगा उसमें मैं नहीं जी पाऊंगा ये मेरी है सिचुएशन और यार ये पीएसयू में ना ढंग से वो मिलते हैं पहली बात तो मैं सच बोलू पैसे का तो छोरो ही मत की बिल्कुल ही लो लेवल का लाइक अ लेबर और जो हमारी चाहिए हमारी डोमेन वो है ही नहीं <laughs> लोग जाते हैं फिर भाग के आते हैं निकल जाते हैं वो जो जाते हैं उनको पता चलता है कि क्या सीन <laughs> है और लोग यहाँ पे पी के पीछे भागते हैं इन जनरल <laughs> मैं सच बोल Just रहा हूँ यदि सैलरी है ना मतलब जो प्लेसमेंट होती है यहाँ से भाई अलग लेवल है मैं प्रोफाइल जो होता है और प्रोफाइल और सैलरी मतलब पैसे का तो अलग ही है यहाँ जो इस सेक्टर में और जिस डोमेन में आते हैं जो बी एल एस आई फील्ड में आ जाते हैं पैसे तो अलग लेवल पे है टेन टाइम्स पी एस यू का टेन ट्वेंटी टाइम्स इतना समझ लो तो वो है लेकिन मैं तो वो तो छोड़ो पैसे भी अलग बात है वो चलता है पर वर्क में वर्क मुडी हूँ hmm. वर्क मेरे को अपने डोमेन का चाहिए और वो मुझे देता कौन मेरा डोमेन मैंने एन टी पी सी लीव किया मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया ठीक है And मुझे पता लग गया कि बहुत ही गंदा होने वाली Analog, है। में इस काम नहीं पूरा मतलब हमारे डोमेन से पी मैंने छोड़ा उसके बाद NPCIL का भी मैं फिल कर दिया था एन में भी मैं सेलेक्ट हो गया पी एस है वो भी मैंने लीव किया ठीक है मैंने नहीं गया क्योंकि वो भी पावर सेक्टर है हमारा डोमेन है ही नहीं फिर मैंने इसरो इसरो भी मैंने फिल किया था वो कोविड से पहले ही हमारा गेट ट्वेंटी से पहले ही उसका फॉर्म भरा गया था और मैंने एग्जाम भी दे दिया था उसका मैं सेलेक्ट हो गया इंटरव्यू दिया इंटरव्यू भी सेलेक्ट हो गया लेकिन थोड़ा इसरो हमारे डोमेन का हाँ। था ये ये, ये मानता था रिसर्च ये रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन आर डी ओ बारो हाँ। वहां पे थोड़ा है काम बिल्कुल है लेकिन थोड़ा मैं अपने सीनियर्स वगैरह से बात किया तो वो कहते हैं कि हमारे डोमेन की वर्क है लेकिन उस डोमेन को लेने में ना हमें टू थ्री ईयर स्ट्रगल करनी पड़ेगी रीजन क्या है कि जो एम करके जाते हैं ना उनको डायरेक्ट अलॉट हो जाता है जैसे हमारा वे का वर्क वहां है तो जो एम करके जाएगा उनको वे का डिवीजन दे दिया जाएगा वो फिर खुश रहेंगे अपने काम में पर जो बीटेक करके जाते हैं उनको स्टार्टिंग में किसी भी डोमेन में फेंक दिया जाता है लाइक कोई भी मैनेजेरियल टास्क दे दिए तो मैंने सोचा कि यार फिर तो मेरी वही हाल हो जाएगी मैं तो स्ट्रगल कर पाऊ करूंगा उस डोमेन में मैं काम कर नहीं पाऊंगा और अभी मेरा एमटेक ख़त्म होने को है जॉब लगने को है प्लेसमेंट होने को है और मुझे पता भी नहीं मैं यहाँ क्या गेन करने वाला हूँ तो मेरे पास ऑप्शन चू, था चूज़ करने का तो मैंने कहा अभी मतलब मेरा ऑफर लेटर आया नहीं था इसरो से मैं मतलब वेटिंग मूड में था और फर्स्ट दिसंबर को मेरा यहाँ फर्स्ट डे में फर्स्ट स्लॉट ही है डे वन पॉइंट वन कहते हैं गूगल की इंटरव्यू थी मैं सिलेक्ट हो गया था मेरा बहुत ही इंटरेस्ट था और मेरा प्रोजेक्ट वर्क देख के है ना नॉलेज एरिया देख के जो मेरा रिज्यूम मैंने बनाया था वो लोग मुझे हाई मतलब सेलेक्ट कर लिए थे फॉर इंटरव्यू और तीन राउंड इंटरव्यू था गूगल का तीनों टिक राउंड टेक्निकल राउंड नो कोई ऐसा ऐसा एच वगैरह राउंड मैंने बहुत इन्जॉय किया वो दिन मैं सच बताऊ मैं इतना एनर्जेटिक था कि मेरा फोर्थ राउंड भी होता ना इंटरव्यू मैं दुगुना एनर्जी से देता क्योंकि जो वो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना मैं इन्जॉय कर रहा था क्योंकि वो चीज़ें मेरे नॉलेज से पूछ रहे थे और वही चीज मैं करना चाहता हूँ लाइफ में अलग लेवल का मतलब मेरा एनर्जी था उस टाइम बहुत इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू चलती गई और मेरा मोटिवेशन बढ़ता गया मैं एनर्जी कम ही नहीं हो रही थी लास्ट में उन्होंने बोला मतलब एक क्वेश्चन पूछा था कि वाई गूगल तो मैंने इंटरेस्ट बताया तो वो लोग भी बहुत मतलब हो गए, हो गए थे इंटरेस्ट हो गए थे खुश हो गए थे लास्ट राउंड में मुझे लग गया था कि सिलेक्शन हो चुकी है मेरे को इंटरनली लग रही थी लेकिन कहा नहीं अभी रिजल्ट आने दो नेक्स्ट डे आ ही जाएगा और मेरा तब तक इसरो का ऑफर लेटर भी नहीं आया है तो नेक्स्ट डे मेरे को डिस्प्ले हो गया कि आई गॉट सेलेक्टेड इन गूगल एज अ सिलीकन इंजीनियर ये मैं सोचा कि यार क्या ये सच में ये ड्रीम है या क्या है मैं सच बताऊं कि मेरा ये स्प्रिट है ना ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि यार आ, कि हमें प्रॉब्लम होती है तब भी नहीं हम चाहते हैं नहीं मेरे को प्रॉब्लम नहीं था मेरे को जो अभी तक का सक्सेस का है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस भरोसा खुद पे मैं इतना चीज छोड़ा हूं कोई नहीं छोड़ सकता इतना एन टीपीसी छोड़ा एनपीसीएल छोड़ा मैं इसरो तक छोड़ने पर हूं क्यों क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हां मैं हायर होऊंगा उस लेवल पे आऊंगा मेरी नॉलेज पे भरोसा है अपनी डोमेन में मैं काम करूंगा करूंगा और अपनी नॉलेज पे वो ट्रस्ट है और मुझे पता है कि मैं होऊंगा उस लेवल पे आ ही जाऊंगा मैं कोई रोकेगा नहीं मुझे मुझे खुद पे ट्रस्ट था लेकिन इतना भी नहीं सोचा था कि गूगल मिलेगा मुझे इट वॉज अ ड्रीम केम ट्रू मैन तो जब मैंने देखा ना मैंने कहा माय गॉड और मैं सच बताऊं जो पैकेज जो मिली है वो थोड़ा कॉन्फिडेंटल वो बोल नहीं सकता नहीं। आ, तो भी ऐसा एक डिजिट बताओ उसके ऊपर है मतलब मैं इतना बोल रहा हूँ कि जो आई बॉम्बे में जो डोमेस्टिक प्लेसमेंट में जो वीएलएसआई डोमेन के लिए आई है सबसे ज्यादा जो पैकेज दी है गूगल ने दी है आप समझ सकते हो सबसे हाईएस्ट पैकेज है डोमेस्टिक पैकेज एंड पीएसयू एस की रिस्पेक्ट में बोलूं तो ट्वेंटी थर्टी टाइम्स इतना समझ लो और सिक्योरिटी की बात और पर और जॉब भी जॉब उस लेवल का कहते हैं खाना पीना रहना घूमना सब फ्री समझ रहे हो कि पर्कस भी उस लेवल का जो बेसिक टास्क होते हैं तो कहते हैं ना कि गॉड की तरह मानते हैं मैन वो इस डोमेन में तो तुम आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट को किस तरह से देखते हो क्योंकि लोग सोचते हैं अरे मैं बता रहा हूँ वो मैं बताना चाह रहा हूँ मेला लग गई थी <laughs> प्लेसमेंट के टाइम में यहाँ मतलब लास्ट में ना डे थ्री के बाद यहाँ पे बच्चे ना कम पड़ गए थे और कंपनी ज्यादा पड़ गई थी कंपनी आके वॉकिंग चला रही है वॉकिंग चला रही है कि यार आओ आव आव आव। 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 ऐसे। आओ ऐसे डायरेक्टली आओ ऐसे हाँ विदाउट एनी वो रिज्यूम फिल्टरिंग मतलब आओ इंटरव्यू दो नॉलेज है ओके गेट द जॉब ऐसा हो गया था सिचुएशन हर साल होता है पता है लिटरली मैं मतलब अमेजड था कि यहाँ पे मतलब मेरा तो डे वन पॉइंट वन में हो गया था डे थ्री तक तो बहुत चल रहा था कि कंपनीज आ रहे हैं बच्चे आ रहे हैं उसके बाद सारे बच्चे प्लेस हो गए डे थ्री फोर तक अब जो कुछ बच्चे बैठे ना देख रहा हूँ कि बच्चे कम हैं कंपनी ज्यादा है अब मतलब होर लगी कि कौन किसको लेगा ऐसे हो रहा था यहाँ पे अमेजिंग प्लेसमेंट अमेजिंग कहते हैं ना मतलब जो कहते हैं ना कि बी का लेवल आई टी बॉम्बे का लेवल वो दिखा मुझे पहली बार ने हमें एक बात बताई थी तुम पहाड़ के सबसे चोटी पे हो अगर तुम टेंशन लोगे ना प्लेसमेंट की तो जो नीचे के बेटे हैं, वो क्या करेंगे अरे एक टाइम जब हम सेकंड सेमेस्टर में थे तो हमारी मीटिंग होती रहती है छोड़ी की तो ऐसा ही हमारा मीटिंग हो रहा था तो उन्होंने बोला था कि एक बात याद रखना ये जो डिग्री है ना ये तुम्हें जिंदगी देने वाली है इसको कभी भूल से भी छोड़ने की कोशिश मत करना ये लाइफ है तुम्हारी एंड वो चीजें मुझे लेकर बता कि क्या था वो वर्ड सो so, अमेजिंग और अब जो कहते हैं ना कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो फील्ड भी मुझे अलॉट हुआ है मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है कि प्रोसेसर को डिजाइन करना जो चिप वगैरह डिजाइन करना प्रोसेसर को ऑप्टिमाइज करना और लेबल पे लाना जो मेरी एम भी उसी फील्ड में है और मेरा इंटरव्यू भी उसी फील्ड में हुआ और प्रोफाइल भी मुझे उसी फील्ड में मिलने वाली है तो मेरे लिए सब कुछ ऑसम awesome. अब इससे ज्यादा मैं कुछ निकट कर सकता यही है और अब तो बस इंजॉय कर रहा हूँ अपने लाइफ को सच में अब थोड़ा ये है कि अभी राइट नाउ मैं फाइनल सेमेस्टर में, में हूँ तो थोड़ा मतलब हमारे जो प्रोफेसर हैं जो मतलब जिनके अंदर मैं काम कर रहा हूँ एम टी पी वगैरह तो मेरे को एक पी एच डी के अंदर सपोर्ट मतलब डाल दिया गया है तो उनका मैं काम कर रहा हूँ वो प्रोसेसर वगैरह ऑप्टिमाइज कर रहे हैं बना रहे हैं तो उनको सपोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ का अपना करिकुलम कम्प्लीट कर रहा हूँ बस अब इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ यही है कि जो मैं खुद को ना मैं लेवल जीरो से यहाँ तक का सफर बहुत ही स्ट्रगलफुल फुल रहा और इंजॉइंग भी रहा और जो इस ईयर में जो मेरे को उस स्ट्रगल का जो मिलना स्टार्ट हुआ ना रुक ही नहीं रहा था मतलब समझ सकते हो एन टी पी सी ये जो बिल्डअप होता गया ना मतलब I, I enjoyed a lot. और ये सब मेरे हिसाब से ना क्यों हो पाया क्योंकि आप एक सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट हो लिटरली और मैंने कभी ना मैं किसी इंस्टीट्यूट को फॉलो किया हूँ ना मैं किसी का मटेरियल लिया हूँ रिफरेंस बुक स्टैंडर्ड बुक मैंने पकड़ा लाइब्रेरी से मैं कहते जो मैं इंटरव्यू में लोग प्रिपरेशन करते हैं अलग से ठीक hmm. है कि भाई रिटर्न निकालनी है इंटरव्यू के लिए अलग प्रिपरेशन करते हैं मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है <laughs> वो नॉलेज है ना वो जो गेन किया हो ना रिफरेंस बुक से मैंने अपना सेकेंड भी यूज नहीं किया है प्रिपरेशन में इंटरव्यू के लिए अलग से रिटर्न के अलग से नो no, जो नॉलेज है मुझे भरोसा खुद पर है यार जो नॉलेज है वो अप दी मार्क है <laughs> और कोई उसको गलत नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सही जगह से गेन किया है उसको है, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हमीद नाम का बिल्कुल और वो सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट था जो अभी यहाँ पे सिलेक्शन था राजेश मतलब सुबह साढ़े आठ बजे स्टार्ट होता है इंटरव्यू लेना राजेश जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया उसने टेक्साइज इंस्ट्रूमेंटेशन का डे जीरो में एनालॉग क्रैक किया था अच्छा। और उसे था अच्छा उससे पूछा लोगों ने कि तुमने कैसे प्रिपरेशन की है हाँ। उसने ऐसा आंसर किया एक तो तुम बोल सकते हो कि मैंने प्रिपरेशन की ही नहीं है या फिर तुम, तुम बोल सकते हो कि मैं पहले दिन से ही प्रिपरेशन कर रहा था करेक्ट गरेक्ट। करेक्ट इज इट वही है मैन वही है मैं सच बताऊ सेम मेरे साथ हुआ है मैंने थोड़ा भी चाहे इधर इसका इसरो का इंटरव्यू नथिंग प्रिपेयर सेपरेटली लोग कहते रहे इंटरनेट से ढूंढो क्वेश्चन पकड़ो नो मैंने जो बिल्ड किया है ना नॉलेज ओवर ओवर मेरे को कहीं से इंटरव्यूअर पूछ रहा है वो मेरे माइंड में और मैं उसको कहते ना कि लोग गूगल का इंटरव्यू होता है वो देखते हैं योर 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 क्रिएटिविटी थिंकिंग स्टाइल अप्रोच लॉजिक लेवल और तुम्हें तो इंडस्ट्री को तुम कहां पहुंचाने का सोच रहे हो वो सब ऑब्जर्व कर लेते हैं तो उनको वो माइंड चाहिए राइट right? और लोग कहते हैं ना कि उठा के ले आओ किसी का आंसर्स हैं याद कर लो या उस उसी फ्रेम में बोलना है

तो और ये जो सोर्सेस है हो सकता है कि तुम सेल्फ स्टडी एक साल में ना फटाक से क्रैक कर पाओ करेक्ट वही हुआ है पर तुम्हें अगर तुम दो तीन साल भी लगा रहे हो पर जो उसका जो आउटपुट में करेक्ट क्योंकि ये जो आ, कैसे की पी एस यूज तुम्हारा वो लेवल का नॉलेज ही चेक नहीं करती कि तुम्हें वो लेवल का आउटपुट दे सके बिल्कुल यहाँ पे आओगे तब तुम्हारा नॉलेज चेक किया जाएगा तब तब आउटपुट मिलेगा उसका वैल्यू वैल्यू यही है उसका वहां पे क्या है यार ना इंक्रीमेंट है ना कुछ मतलब और अरे जो 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 चीजें तुम पढ़ के आए हो जहां से तुम्हें इंजीनियरिंग की इंटरेस्ट मिला है तुम्हें वही नहीं करने दिया जाएगा पी में करने को मिलेगा ही नहीं तो क्या फायदा है लाइफ की भाई पढ़ने की अभी तक मेरा तो एक मोटिव था जो पढ़ा हूं इसी में रहनी है और कुछ इनोवेशन करना है और वो फील्ड चाहिए जो हिसाब से सबसे बेस्ट प्लेस बेस्ट प्लेस है फॉर दैट और जो मैं मिस किया था ना अपने बीटेक के लिए कि मेरे को आई नहीं मिली थी वो स्टेज नहीं मिला था वो स्टेज मुझे यहां मिल गया वापस और वो मुझे वापस वो पे बैक कर दिया आई बॉम्बे कि जो मैं चाहता था जो मेरा ड्रीम था और जो मेरा स्टेज था वो मुझे वापस इसी ने दिया एंड आई एम फीलिंग लाइक माय गॉड थैंक यू मतलब मैं गॉड को थैंक यू बोलता हूँ कि मैं आया मुझे वो हिम्मत दिया मुझे टूटने नहीं दिया किसी स्टेज में प्रिपरेशन फेज में क्योंकि तो कोई मेरा मतलब वो नहीं था सपोर्टर लाइक आउटसाइड माई फैमिली या मैं कहीं से किसी सपोर्ट ले रहा हूँ कोई इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहा हूँ कोई सपोर्टर नहीं था मैं खुद ही लड़ता था खुद ही जी जिया हूँ अभी तक एंड mm -hmm. मैं यहाँ आया और आई टी मम्मी ने मुझे वापस वे दे दिया mm -hmm. कि गो एंड वर्क नाउ तुम्हारे जर्नी से मैं ये बोल सकता हूँ कई बार जैसे तुम्हारा फर्स्ट टाइम में तुम उस स्ट्रेटेजी वाइज तुम प्रिपेयर नहीं थे तुम कॉन्सेप्टुअली प्रिपेयर थे स्ट्रेटजी वाइज प्रिपेयर नहीं थे सेकेंड बार में तुम प्रेशर के लिए प्रिपेयर नहीं थे थर्ड बार में तुम सबके लिए प्रिपेयर किया वही तो सीखता गया तो मेरे हिसाब से इस जर्नी में हमें यह सीखना चाहिए कि हमेशा हम सोचते कि हमारा हार्डवर्क वेस्ट हो गया पर हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि शायद से और वर्क करना बाकी है किसी चीज के लिए तब तुम इम्प्रूव करते रहोगे और रुक नहीं सकते इसीलिए मतलब मैं वही कहता हूँ कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे यार नहीं हो रहा है फिर से थोड़ा फेल्योर आ जाता है मैं बस एक बोलना चाहता हूँ सबको यार देखो कोई यहाँ एलियन नहीं आया है <laughs> सब इंसानी है भगवान ने सबको माइंड दिया है बुद्धि दी है समझने की हिम्मत दी है मैं बस इतना बोलूंगा कि यार खुद को समझो दूसरों को मत देखो कि दूसरा कहा है, कहा गया कैसे गया नो, वो तुम्हारा एग्जाम नहीं देगा तुम्हें खुद को समझना है कि तुम कहाँ लैक कर रहे हो जिस दिन तुम अपने आप को रीड करना स्टार्ट किए ना समझ लो वो तुम्हारी विनिंग पोजिशन है तो थैंक यू विकी यू. हमारे इस वीडियो में आने के लिए और ये वीडियो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा गेस्ट इतना ज्यादा एनर्जेटिक होगा कि मैं ही नहीं बोल पाऊंगा तो पहले टाइम मैं अपने वीडियो में ज़्यादा बोल नहीं पाया ऊपर इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन है जितना मोटिवेशन है और जो कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूँ हर एस्परेंट में कुछ लोग इससे भी नेगेटिव की तरह देखेंगे शायद से पर मैं मेरे को पता है कि ऐसा ही कॉन्फिडेंस होना जरूरी है और ऐसी क्लैरिटी होना जरूरी है लाइफ में कि मुझे ये तो बहुत लोग बोलते हैं बाद में जाके कि मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ मैं जॉब में जा रहा हूँ पर मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ रहा रहा पर अगर तुम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रहोगे पे तुम्हें जाना है तो लाइफ में हमेशा खुशी रहोगे और ऐसी अभी तो मैं क्या अभी तो और मैं गाइड करूंगा कंटिन्यूसली मैं गाइड करने वाला हूँ सबको बस ऑल द बेस्ट जो भी हमारे लिसनर है बस मैं मैं एक चीज बोलना चाहूंगा खुद पे ट्रस्ट करो कभी किसी पे बायस मत रहना किसी को ऐसे मत सोचना कि हमें उसी को फॉलो करना है खुद को फॉलो करो जिस दिन खुद को फॉलो करोगे यू आर विनर कोई तुमको रोकेगा नहीं बस, बस एक वर्ड में बोलता हूँ एंड किसी पे मतलब खुद पे भरोसा करना ऑलवेज किसी और पे कंप्लीटली मत रहना दैट्स इट फ्रॉम माय एंड और मैं बिल्कुल मोटिवेट मोटिवेट हमेशा दूंगा और हमेशा आऊंगा इसी तरीके से ठीक है थैंक यू हाय <laughs> तो ये वीडियो तो खत्म हो गया है पर अगर आपको कोई क्लासेस ज्वाइन करना है क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है पर अगर आपके पास सिर्फ एक साल का टाइम स्पेन है एक साल का भी एक्चुअल में नहीं है अभी सिर्फ ग्यारह मंथ का टाइम स्पेन है अगर आप ग्यारह मंथ में ज़ीरो से प्रिपरेशन करना चाहते हो आपके लिए एस एकेडमी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप प्रिफर कर सकते हो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होंगे सारे ब्रांचेस के लिए मैंने रोड मैप बनाया हुआ है उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूज़ कैसे करोगे हर दिन क्या करोगे मैंने बताया हुआ है उस रोड मैप में वो रोड मैप भी फॉलो कर सकते हो उन सारे रोड मैप के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी और एस एकेडमी के भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में हो गए तो इतना ही था इस वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ टिल देन बाय